हेलो, जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वी विशाल में। जैसा कि दोस्तों आप सभी लोग थंबनेल देखकर पता लगा लिए होंगे कि आज हम किस पॉइंट पर बात करने वाले हैं, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाला है। आज हम आप सभी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ लेकर आ चुके हैं। दोस्तों आप कभी भी एक्सेल यूज करते हैं तो आपको उसमें बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, प्लस माइनस गुणा और भाग करने में। दोस्तों मैं उसका यहाँ पर एक बहुत ही सिंपल ट्रिक लेकर आया हूँ, दोस्तों बहुत ही सिंपल यूजफुल। अगर आप नए एक्सेल में यूज कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है। तो कैसे आपको यूज करना है आपको सब कुछ यहाँ बताने वाले हैं, तो प्लीज़ वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हम वीडियो को और जानते हैं अपने मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट को लेकर बातें को आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं अपने मेन पॉइंट को लेकर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों पहला पॉइंट यहाँ पर है सम, यानी दोस्तों इसको हम क्या बोलते हैं, प्लस करना। दोस्तों जोड़ते कैसे एक्सेल में किसी भी नंबर को, दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको जो सिंबल यहाँ पर दिया हुआ है इक्वल, आपको आपको इक्वल क्लिक करना है। इक्वल क्लिक करने के दोस्तों आपको सिलेक्ट एरिया सिलेक्ट करनी है, फिर आपको प्लस का सिंबल सिलेक्ट करना है, फिर आपको जो और उसे प्लस करना है उसे यहाँ पर क्लिक करना है, फिर आपको इंटर क्लिक कर देना है। दोस्तों देखिए यहाँ पर हमारा सम का फॉर्मूला यहाँ पर यूज हो चुका है, यानी दोस्तों हमारे 10 प्लस 10 में करने में 20 यहाँ पर मिल चुका है, ठीक है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट वाले पर, सेकंड नंबर जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबट्रैक्ट, जिसको दोस्तों हिंदी में बोलते हैं घटाना। अभी इसको कैसे यूज करना है देखिए आपको मैं दिखाने वाले दोस्तों। आपको सिंपल से इक्वल का ऑप्शन क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद आपको दोस्तों सिलेक्ट एरिया, फिर आपको माइनस का सिंबल यूज करना है, फिर आपको यहाँ पर दिया हुआ है फिर सिलेक्ट एरिया, आपको यहाँ पर इंटर कर देना है। देखिए दोस्तों आपको यहाँ पर सेकेंड ट्रिक भी काम करके, देखिए यहाँ पर 20 में से 10 गेट वाले कितना बचा, हमारे पास 10 बचा हुआ है, जो कि ये होना चाहिए। अब दोस्तों आगे आते हैं नेक्स्ट पे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मल्टीप्लाई। दोस्तों गुणा, जिसको हम हिंदी में गुणा बोलते हैं, उसको कैसे करना है, आपको इक्वल का ऑप्शन सिलेक्ट करना है, आपको यहाँ पर सिलेक्ट एरिया और गुणे का सिंबल और यहाँ पर सिलेक्ट एरिया और इंटू इंटर, ठीक है। दोस्तों हमारा ये भी यहाँ पर जो गुणे का काम भी कर गया। अब आते हैं हम नेक्स्ट ऑप्शन पर, डिवाइड का, आपको सिंबल से इक्वल का ऑप्शन क्लिक करना, उसके बाद आपको यहाँ पर सिलेक्ट एरिया, फिर यहाँ पर डिवाइड का सिंबल देना है, फिर आपको यहाँ पर सिलेक्ट एरिया पर से इंटर कर देना है। देखिए दोस्तों हमारा यहाँ पर चारों ट्रिक काम कर गया। दोस्तों देखिए मैं आपको यहाँ पर एक नाम लिख के दिखा दे रहा हूँ, देखिए दोस्तों अभी क्लिक किया पर क्या लिखा हुआ है, सिलेक्ट एरिया प्लस सिलेक्ट एरिया, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इक्वल टू सिलेक्ट एरिया माइनस सिलेक्ट एरिया, ठीक है। अगला क्या है, सिलेक्ट एरिया माइनस सिलेक्ट एरिया गुने सिलेक्ट एरिया, आगे एक बार क्या लिखा हुआ है, सिलेक्ट एरिया डिवाइडेड बाय सिलेक्ट एरिया। तो दोस्तों ये थे चारों फॉर्मूले जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए थे। तो उस वीडियो को कैसी लगी वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है, और वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और दोस्तों कोई भी और जानकारी आपको चाहिए हो तो आप हमें यहाँ से सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको डेली डेली नई अपडेट यहाँ पर मिलती रहेगी, ठीक है।